राम राम भाई, सारे भाई नम आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई जो है यहाँ पे दनाना मौजूद है, दीपेंद्र हुड्डा जी आओगे और मेरे हाथ में जो है भाई ये एक कागज देख दोगे, ये कागज नहीं या इनकी जो है भविष्य है, इन बच्चा का यो भविष्य है और इसमें लिख भी रखा है आदरणीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा। और यो मामला जो है 5657 जो ग्रुप है काफ़ी वायरल भी हुआ था HSC, तो पूरा का पूरा जो मामला है ये युवा खड़े हैं इस हल्के के हैं, पूरा का पूरा जो मामला है ये भाई बताऊंगे। और आज जो है भाई वो ज्ञापन भी जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है देंगे, तो भाई साहब ये पकड़ो एक बारी। सबसे पहला तो अपना नाम बता दे। मेरा नाम सोनू है जी, सोनू सतार दनाना जी, प्रॉपर दनाना है। हाँ प्रॉपर दनाना, ये भाई सारे, ये सारे भाई दनाना थे हैं, सारे दनाना के भाई। हाँ सारे दनाना के। हाँ ये वे बालक हैं जिनका सिलेक्शन अगर एक खटका दबा दे सरकार तो ये सारे सरकारी नौकरी लाग जावा। मतलब इन पेपर दे रखे, सब ने पेपर दे रखा है, सारी जो प्रक्रिया थी सारी पूरी कर रखी है। यह प्रक्रिया शुरू हुई थी जब 2019 में इनकी सरकार आई दोबारा 14 के बाद, फिर हाँ बीजेपी 2020 में कोविड आ गया, कोविड के बाद भर्ती दोबारा फिर शुरू हुई, उससे पहले तो बंद था कोविड में। तो इन्होंने क्या कराया कि जितनी भी पुरानी भर्ती थी जो प्रोसेस में थी वे विड्रा कर ली कि हम इन्हें एक प्लेटफॉर्म के नीचे लेकर आएंगे, एक कॉमन टेस्ट होगा सबका, CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें दो पेपर होंगे प्री और मेंस। तो इन्होंने फार्म निकाले जनवरी 2021 में और नवंबर 2022 में इन्होंने इसका प्री लिया। 18 महीने तक फार्म चलते रहे, 15 दिन बढ़ा दिए, 20 दिन बढ़ा दिए, ये डॉक्यूमेंट ऐड कर दो, वो डॉक्यूमेंट ऐड कर दो, चलता रहा। उसके बाद इन्होंने नवंबर 2022 में पेपर ले लिया प्री का और प्री का रिजल्ट निकाल दिया जिसमें 3,54,000 बच्चे इसको पास कर गए। उसके बाद इन्होंने मेंस का एग्ज़ाम लिया, मेंस के ग्रुप वाइज फॉर्म भरवाए गए, ग्रेजुएशन लेवल का ग्रुप नंबर 56 जिसमें ग्रेजुएशन लेवल की ग्राम सचिव, पटवारी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सेक्रेटरी, बहुत ज़्यादा पोस्ट इसमें। एक प्लस टू लेवल का ग्रुप था जिसमें क्लर्क था, कुछ और भी वैकेंसी थी। जेई का ग्रुप था, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 6 कॉमर्स का था। तो इन्होंने 5657 का एग्ज़ाम ले लिया और जो प्लस टू लेवल का एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल से अगले दिन था और 41 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पिछले दिन था उससे अगले दिन रिपीट हो गए, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट, सेम ऑप्शन, सेम आंसर, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं था। इन्होंने बोल दिया बीजेपी वालों ने कि ये हमारी जो एजेंसी है उनसे कुछ गड़बड़ हुई है और जो इस सरकार ने 5 नंबर दिए थे बिना जॉब, जिसके घर में नौकरी नहीं है, हम उसको एक्स्ट्रा 5 नंबर दे रही हैं, तो कुछ बच्चे उसके खिलाफ चले गए थे हाईकोर्ट और हाईकोर्ट की डबल बेंच ने वो 5 नंबर खारिज कर दिए, उनको असंवैधानिक करार दे दिया, तो वह 5 नंबर हट गए। तो इसके बाद दोबारा कोर्ट ने इनको बोला, 31 मई को जजमेंट आया डबल बेंच का कि विद इन 6 मंथ ये सारी भर्तियां पूरी करो। तो आज तकरीबन 4 महीने होने को हैं, इन्होंने एग्ज़ाम तो ले लिया, एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ नहीं हुई, बिल्कुल फेयर तरीके से एग्ज़ाम हुआ, बट अब इन्होंने ये बोल दिया कि आचार संहिता लग गई, हम कुछ नहीं कर सकते। भाई आप देख सको हो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है आगे हैं और तो चलो आपकी पूरी की जो है बात है अपने। अब हमारी बात ये है जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी कुरुक्षेत्र से अपना बयान दिया है कि हमारी सरकार आते ही हम ये 25,000 वैकेंसी पूरी कर देंगे और जो आज के दिन CM है हरियाणा के CM सैनी साहब, उन्होंने भी बयान दिया कि हमारी सरकार आते ही हम पहले खटके से दबाएंगे अपनी शपथ लेने से पहले। हम CM साहब से भी मिले हैं, भूपेंद्र हुड्डा से भी मिले हैं, दीपेंद्र हुड्डा से भी मिले हैं और सभी हरियाणा के हलकों में जो भी प्रत्याशी लड़ रहा है उसको ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं। तो आज बस हम यही चाहते हैं, हमने आश्वासन और जुमला नहीं चाहिए, हमने पक्की मोहर चाहिए कि ये भर्तियाँ हम पहली कलम से करेंगे, क्योंकि माननीय जो अपने भावी मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा वह बोल रहे हैं कि हम 2 लाख भर्तियाँ पूरी करेंगे,
हमें ये पूछना है कि 2 लाख भर्तियां कितने टाइम में पूरी करेंगे, या 2 लाख भर्तियों 2029 तक जाएंगी ओनली पॉलिटिक्स के चक्कर में? ये भर्तियां की पॉलिटिक्स के चक्कर में ना फंस जाएं, तो वह बात कर रहे हैं 2 लाख भर्तियों की। 2 लाख भर्ती करो चाहे 4 लाख करो, हमें हमारी 25,000 भर्तियां हैं जो 4.5 साल से लटकी हुई हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है। हमें वह भर्तियां पूरी चाहिए ताकि ये सरकार आने के बाद इन पे कलम ना फेर दे और नए सिरे से ना शुरू कर दे। और वो भी हमने बस पक्की मोहर चाहिए है, अपने बयान दो। और जो इनका MLA नीरज शर्मा NIT फरीदाबाद MLA नहीं भावी MLA, अब तो मुझे पता नहीं वो MLA है या नहीं है, उन्होंने ये बोला है कि 50 पर्ची लाओ वोट और एक नौकरी ले जाओ, मेरे खाते में 2000 पोस्टें आएंगी और मैं मेरे कार्यकर्ताओं को बांट दूंगा। ये काम ना हो, बस इस बात का डर है और हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, इसीलिए आए हैं और मेरा नाम मंजीत है, मैं इसी गांव से धनाना से हूँ। हमने यही आश्वासन चाहिए, जैसे सैनी साहब ने भी बोला हमारी सरकार आते ही हम पहले ज्वाइनिंग देंगे, शपथ बाद में लेंगे, तो हमारी यही मांग है सारे बेरोजगारों की, जैसे ही कांग्रेस सरकार की कल सरकार आती है तो उनकी भी यही डिमांड हो, हम पहले इनकी ज्वाइनिंग देंगे उसके बाद हम शपथ लेंगे, ना कि ये कैंसिल हो। आज इनका मैनिफेस्टो भी आया है उसमें भी यही थी 2 लाख भर्तियां करेंगे, ठीक है, उसमें ना ये कई क्लियर हैं, जो पेंडिंग भर्तियां हैं वो हम पूरी करेंगे, जो ये कोर्ट के थ्रू भर्ती हो रही है सारी, ये 30 नवंबर तक इनका टाइम है कोर्ट के थ्रू करने का, तो हमें यही आश्वासन चाहिए पक्का कि हमारी भर्ती पूरी हो, हमें फुटबॉल ना बनाया जाए कभी कांग्रेस की तरफ कभी बीजेपी की तरफ, ठीक है, हमें बस जॉब चाहिए जी। तो भाई साहब क्या लगा है, कौन सी पार्टी आपकी बात सुनेगी? हमने बीजेपी सरकार को भी ज्ञापन दे के देख लिया, कांग्रेस सरकार को भी ज्ञापन दे के देख लिया, 56-57 का एग्जाम तो ले लेते हैं, रिजल्ट नहीं निकालते, बार बार पेपर कैंसिल हो रहे हैं, हमें झूठा जुमला नहीं चाहिए, हमें क्लियर कट चाहिए, आप भर्ती करो या नहीं, हमें कांग्रेस पार्टी से उम्मीद है। अब दीपेंद्र हुड्डा जी से हम दिल्ली भी मिले थे इसी के रिकॉर्डिंग, तो उन्होंने बोला था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, अभी तक आज हमारी बातें सुनी जाएंगी। आज हमारे गांव में टोटल हमारे मेरे गांव से 50 बच्चे हैं जिन्होंने CET दे रखा है, जो मेंस एग्जाम में बैठे थे सी ग्रुप के। आप भी हो भाई साहब? हाँ भाई, धनाना से ही हैं सारे बच्चे। आपने पेपर? हाँ पेपर दे रखा है। पेपर? हाँ भाई, इसी का। हाँ भाई दे रखा है। इसी ग्रुप में? हाँ जी, हाँ भाई इसी ग्रुप में। हाँ भाई साहब इसी में? भाई इसी ग्रुप में जी, सभी इसमें भाई। हेलो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद है। चलो, आप भी 2-4 आदमी अपने हो, सुनो ना, आप इनसे ऊपर ना ये आपसे ऊपर, मगर इनकी संख्या ज्यादा है। पंचायती प्रस्ताव ये है कि 10 मिनट प्रोग्राम चलाएंगे, अपनी स्पीचेस हो जाएंगी, उसके बाद आप लोग मिल लेना पंचायत भाई। अगर ये पंचायती एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, ये पंचायती पर देखो भाई, इतने आदमियों के सामने आपका देखो एक प्रजातांत्रिक का हिसाब से पहले एक बार ये पंचायत हो जाए, उसके बाद आपसे मिलके जाएंगे। यही बताया कि भाई बीजेपी की तो 0 है और कांग्रेस की लगभग सारी सीट हिसार की भी कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। उसके बाद हम सोनीपत में गया, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में और जींद जिले में पर्चा भरवाने में विनेश फोगाट का, वो हमारी बहन जिसके साथ बड़ा अन्याय हुआ, पर्चा भरवाने में गया जुलाना में। मैंने पूछा कि सोनीपत लोकसभा में क्या स्थिति चल रही है,